हेलो जी, राम राम भाई, कैसे हो सारे? उम्मीद आप ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, टीना पंगवाल ब्लॉग्स में। तो भाई देखिए, आज हम सफाई मिशन पे, देखो कितना हो रहा है कूड़ा। और कल भाई बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा रंग रंगे से गली को कर दिया था खराब। और भैया इधर एक है ऊपर, देखो अमरूद का पेड़, इससे हो जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा। तो आज हम देखे लगे हैं सफाई मिशन में। हेलो जी, तो भैया अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। मैं आज बनाने वाली हूँ आलू, उबले हुए आलू और मटर की सब्जी, तरी वाली। तो भैया उसके लिए मैंने आलू उलू को उबाल के रख लिया था पहले। मैंने पोछा लगाया, इतना उनको उबलना रख दिया था, क्योंकि भाई अभी मैं नीचे का पोछा तो काम कर लिया और ऊपर का भी मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं बाद में करूँगी। और फिर खाना मैं पहले बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना होता है ड्यूटी, और इसलिए खाना मैं पहले बना देती हूँ रेडी करके, फिर और काम बाद में। और भैया अभी बच्चे गए हैं घूमने बाहर, इसलिए चलो आ रही ना, इतना कर लेती हूँ नहीं फिर। हेलो जी, तो भैया खाना हो गया हमारा रेडी, आ जाइए और खा लिए। और ये मैंने थोड़ा सा रख दिया है आटा, इसके दादा खाते हैं बाद में गर्म गर्म, तो उसके बल्ले बाद में बनाएंगे। और भैया अभी मैं नहाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। और ये मैंने सर में लगाया अभी आज अपना थोड़ा सा, वो जो मैं भाई मैंने वीडियो में बताया था अपना मिक्स वगैरह करके, दही वगैरह जो भी लगाती हूँ मैं, वो मैंने लगाया है भाई। आप भी जरूर लगाए, बहुत अच्छा होता है भाई। सर्दियों में चलो मानते नहीं, हफ्ते में दो बार नहीं लगा सकते, तो एक बार लगाए। और भाई गर्मियों में जितना ठंडा होता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको जरूर ट्राई करें भाई बहुत। हेलो जी, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे यार कर रहे हो बाल्टी में मस्ती, यार क्या कर रहे हो? पंछी के भाई लगाया हुआ मैंने, देखो पंछी को लगाया है दही जो मैंने बनाया था वीडियो में, वो मैंने इसको लगाया हुआ है। और भाई यहाँ देखो भाई, मैंने अपने भी लगा रखा है, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि भाई दो दिन से हो गया था बहुत बुरा हाल, कल बालों का बहुत ज़्यादा हाल बुरा था, और मैंने चार बार वॉश किया, उसके बाद भी थोड़ा भी कलर बचा हुआ है। तो चलो भाई थोड़ा देर देखते हैं आज बालों को पोषण, इनको भी थोड़ा खिला पिला देते हैं पौष्टिक आहार। तो भाई पंछी की थी छुट्टी, इसलिए पंछी को भी लगा दिया मैंने, पंछी को मैं छुट्टी वाले दिन लगाती हूँ। तो भाई चलो हम कर लेते हैं नाई नाई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, तो भाई हम आ गए हैं फाइनली अपने ऊपर अपने रूम में। और भाई ये देखिए, कहते हैं ना लेडीज का नहीं होना कभी काम खत्म, तो देखो भाई अभी फुर्सत मिलती नहीं है थोड़ी बहुत भी रेस्ट करने की। ये देखो कपड़े, ये कल धोए थे शाम को, और अब इनको भाई बहुत प्रेस भी करना है सबको। ये पंछी देखो अपना बजा रही है पियानो, क्या कर रही है पंछी? पियानो बजाना सीख रही है। अच्छा कहाँ से लाए पियानो? पियानो कहाँ से लाए हो? मेरे बर्थडे पे मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। अच्छा तेरे फादर ने मुझे कुछ गिफ्ट किया नहीं आज तक भाई? मुझे तो आज तक कुछ गिफ्ट किया नहीं, पंछी को पियानो गिफ्ट। हेलो, तो भाई शाम के बज चुके हैं 3:30 होने वाले हैं, और भाई मैं बनाने जा रही हूँ चाय। भाई आप देख सकते हो कितना बड़ा मक्का है, लेकिन मैं फूल नहीं पीती इसको, मैं पीती हूँ इसमें ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कमी पीती हूँ चाय, से दो बार पीती हूँ। तो सुबह उठे पानी लेती हूँ गुनगुना उठ के, उसके बाद भाई मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद भाई मैं पीती हूँ एक घंटे बाद एक कप चाय, और एक कप भाई मैं इस टाइम पीती हूँ। और भाई जो हमारी मम्मी है, मम्मी सास वो गई है भाई अभी पशुओं को चारा डालने, और बच्चे भी खेल रहे हैं, तो मैं सोचा चलो सुनाएंगे इतना हम चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि भाई 3 बजते लग जाती है चाय की ड्यूटी, और भाई चाय तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है भाई, टाइम हो गया चलो चाय बनाते हैं। तो ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी चाहिए भाई, और एक कप तो पीना ही चाहिए, देखो जिनको हैबिट होती है भाई वो तो छोड़ नहीं सकता, बाकी ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती चाय, लेकिन एक दो कप तो
पी लेनी चाहिए। और वैसे भी अभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो मैं तो धीरे धीरे बंद ही कर देती हूँ, ज़्यादा पीती नहीं हूँ। हमारी निकल गई है चाय और इसकी दादी अब तक आई नहीं है। ये देखिए गौ माता की निकाल की सुबह रोटी, यहाँ पे कोई गौ माता है नहीं लेकिन मैं निकालती हूँ पहली रोटी। हम निकालते हैं गौ माता की, वो कभी कोई वैसे गौ आ जाती हैं जैसे चराने के लिए लाते हैं बहुत सारी, उनको हम इकट्ठी कर लेते हैं या फिर उनको दे देते हैं, या फिर कोई कोई आस पड़ोस में गाय होती है उनको इकट्ठा करके उनकी बाट चाट में डाल आते हैं उनको दे देते हैं। आ जाओ जी, चाय हो गई है रेडी, तो आप पी लीजिए। आप भी आर्यन कर रहा है हेलो गाइस। आज गर्मी बहुत है, ये बिस्किट खा लीजिए, ये मिनी बिस्किट हैं सील गए रखे रखे, मैं होली से पहले सामान लेने गई थी किराना स्टोर पे तब लेके आई थी बच्चों के लिए, खाए भी नहीं बच्चों ने और रखे रखे सील गई है। और फिर दादी भी अब तक आई नहीं है, बड़े बुड्ढों का ऐसा है पता नहीं कहीं भी बातें बातें करने लग जाती है, वहीं भी रुक गई होगी कहीं। अभी पंछी को मैंने दिया है दूध, पंछी को चाय नहीं दी, आर्यन को भी दूध दिया है, इसको देती हूँ मैं गिलास में क्योंकि भाई इसने हमारे खोड़ दिए सारे कप, ऐसे लेता है ऐसे भगा देता है, तो भाई इसलिए मैंने इसको गिलास में देते हैं। इसको बिस्किट खालवा रही है, लो बिस्किट तो ले लो। ये बहुत शरारती है भैया आर्यन, बहुत शरारत करता है ये पंछी है, ये इतनी शरीफ है इतनी सीधी है, जैसा कहता है वैसे मान लेती है, कहते हैं ना लड़कियां बेचारी होती सीधी है लड़के बदमाश हैं, बहुत शरारती भाई अभी से इतनी शरारत करता है, इतना शरारती है मैं सोचू आगे जाके पता नहीं कितनी करेगा क्या हाल होने वाला है मेरा। जिद्दी भी बहुत है भाई, जो जिद कर लेता है, और अभी एक साल का हुआ है ये बड़ा। भाई शाम के बज चुके हैं 7 और भाई हमने कर ली है पूजा पाठ, भाई इधर मैंने अपना छोटा सा मंदिर रखा हुआ है इसमें मैं अपना भाई पूजा पाठ कर लेती हूँ सुबह शाम। और भाई अभी मैंने लगवाई सीखी चने की, भी खाना सब्जी भी सुबह की रखी हुई है, रोटियाँ रोटियाँ बनानी है तो भाई मैंने कल चने भिगो के रखे थे, खा लेते हैं वैसे सुबह घूमते फिरते, तो चलो सोचा भाई चने का चाट बना लेती हूँ, तो अभी चना ही मैं बनाऊँगी आज आलू और चने का चाट, दिखाती हूँ आपको भी कैसे बनाती हूँ। तो भाई चाट हमारा बन के रेडी है, तो इसमें हमने उबले हुए आलू टमाटर और भाई प्याज और नींबू डाला है बाउल में, और थोड़ी सी नमकीन डाल दी भाई, नमक मिर्च अपने हिसाब से कर लें आप, तो भाई थोड़ा हेल्थी भी होता है और हल्की हल्की भूख में सही भी होता है, पेट भी भर जाता है। तो भैया आज तक चुका था हमारा ब्लॉग यही, आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तो भैया आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। तो चलिए भाई आज हमारा ब्लॉग था भाई पूरा किचन का, लगभग ज़्यादातर किचन का ही बनाया, चलिए भाई चलते मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट शुभ रात्रि बाय बाय।